हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो वाई 15C एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है टच वाइब्रेशन सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये टच वाइब्रेशन सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज को ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा टच वाइब्रेशन का। टच वाइब्रेशन इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दे रखा है, इस बटन को आपको सिलेक्ट करना है। तो ये बटन आपका ब्लैक कलर में इस तरीके से ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपकी सेटिंग इस तरीके से डिसेबल हो जाएगी। अभी सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपने अपने मोबाइल फोन में कोई सा भी पेज ओपन कर रखा है या फिर किसी भी ऐप को ओपन कर रखा है, अगर आप उसमें जो है किसी भी ऑप्शन को या बटन को आप टच करेंगे ना, तो आपका फोन जो है वाइब्रेट नहीं करेगा किसी भी ऑप्शन या बटन को टच करने पे, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना डिसेबल करने के बाद इस तरीके से सेटिंग काम करती है आपके मोबाइल फोन में। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कैसे आप ये टच वाइब्रेशन सेटिंग को अपने मोबाइल फोन में आप शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो आपके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज है इसे आपको फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेटिंग पेज को फिर से ओपन कर लेते हैं। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा सर्च आइकन का, इसे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है टच वाइब्रेशन, ठीक है। इस तरीके से तो आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा टच वाइब्रेशन। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे ना तो आपको नीचे ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे की साइड में शो हो जाता है तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में आपको लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।